इसी कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूटी वगैरह बहुत पसंद होती है, लेकिन उन सब में बहुत सारे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर हम उन्हें घर में बनाकर दे दें तो उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे फ्रूटी। इसके लिए लिया है मैंने एक आम, आधी कच्ची कैरी और आधा कप चीनी। इन सारी चीज़ों को हम उबलने के लिए रख देंगे। सबसे पहले मैंने इसमें आम डाल दिया है और ये आम मैंने सिंदूरी आम का इसमें यूज़ किया है, जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और आधी कैरी मैंने इसमें डाल दी है, साथ ही इसमें हमने चीनी को भी ऐड कर दिया है। तो क्वांटिटी हमने इतनी ही रखनी है, साथ ही हमने इसमें 2 कप पानी का यूज़ किया है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और एक उबाल आने तक इसको पकाएंगे। गैस की फ्लेम हमने हाई पर ही रखी हुई है और ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम हम थोड़ी सी लो कर देंगे और इसको पकने देंगे। थोड़ा सा पक चुका है ये और देख सकते हो थोड़े थोड़ा जो आम और कैरी है वो सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी इन्हें हम थोड़ा और पकाएंगे। आम जो हमने इसमें यूज़ करना है वो अच्छे से कलर का और बहुत अच्छी खुशबू वाला यूज़ करना है। तो आपके यहाँ जो भी आम अवेलेबल हो आप उसका इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आम मीठा होना चाहिए। और ये देखिए पकने के बाद इसका कलर कितना अच्छा आया है। प्रिजर्वेटिव के लिए मैं इसमें आधा नींबू का यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छे से आम और कैरी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको मैं ब्लेंडर की हेल्प से मैश कर लूँगी। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे मिक्सी में करना चाहते हो तो आप इसे ठंडा होने के बाद ही इसको मिक्सी में ब्लेंड करें। और ये देखिए कितने अच्छे से ब्लेंडर से फटाफट से ये बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गया है। और ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट स्मूथ सा टेक्सचर इसका आया है। और इस टेक्सचर इसका इसी तरीके से होना चाहिए कि जो चम्मच के ऊपर है वो पीछे एकदम से वो हटे नहीं। अब इसको हम एक ग्लास में छान लेंगे। और ये देखिए फटाफट बस अब हमारी फ्रूटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब ठंडा होने के बाद इसे हम एक साफ स्टरलाइज बॉटल में भरकर रख लेंगे और ये कम से कम 2 महीने तक बिल्कुल भी खराब होने वाली नहीं है। तो चलिए अब हम इसे एक ग्लास फ्रूटी बनाकर तैयार करते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून फ्रूटी जो हमने तैयार करी है, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बर्फ और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी और इसको कर देंगे मिक्स। और ये लीजिए हमने इसे मिक्स कर दिया है और फटाफट हमारी ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, यम्मी सी फ्रूटी बनकर तैयार है। तो अब इसे आप बनाइए, खुद भी पीजिए और बच्चों को भी पिलाइए, इंजॉय करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।